नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है ये टीजीटी पीजीटी कला के लिए और क्लास नंबर 49 है, यानी टेस्ट पेपर 49 है। इससे पहले 48 टेस्ट पेपर हो चुके हैं सेकंड बैच में, फर्स्ट बैच में तो 90 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी नोट डाउन कर लिए होंगे। बड़ा ये जो 49वां टेस्ट पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे समाहित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। जिन लोगों को लगता है टेस्ट पेपर बहुत लो लेवल का है, उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है बेटा, इसलिए लो लेवल लग रहा है। जब वो लोग मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ पेपर कुछ कारगर था। हमारा लक्ष्य है 148 फतेह करना बेटा, तो किसी भी हद में हमें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, हम लोग तैयार हैं मेहनत करने के लिए, उतना पढ़ डालेंगे लेकिन फाइनली सिलेक्शन लेकर के दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य है 148 फतेह करना, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देना उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से हो, इसी रिकॉर्ड के साथ हम काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 49 का जो पहला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि मोहनजोदाड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है बेटा, कहाँ पे रखी हुई है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, पटना संग्रहालय पटना, भारत कला भवन या फिर मथुरा संग्रहालय? तो बेटा मोहनजोदाड़ो से जो नर्तकी की प्रतिमा, डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली है वो कहाँ पर रखी है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, भारत कला भवन अगर लिखा होता तो क्या राइट आंसर होता बेटा? भारत कला भवन जुड़ा हो शब्द, अगर कला बीच में आ जाए तो हो जाएगा वाराणसी, अगर भारत भवन पूछा जाए तो हो जाएगा भोपाल। ये भी दोनों नाम याद रखने हैं। प्रश्न संख्या दो की बात करते हैं। कहा गया पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई जाती हैं? पशुओं से जुड़ी हुई मोहरें कहाँ पाई जाती हैं बेटा? राजघाट, नालंदा, सारनाथ, मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मृतकों का टीला राइट आंसर बनेगा बेटा। पशुओं से ज़्यादातर जो है मूर्तियाँ पली हैं वो है मोहनजोदाड़ो। पशुओं से जो है निर्मित या पशुओं की आकृतियां ज़्यादातर किस मोहरों में छपी हुई हैं? तो मोहनजोदाड़ो की मूर्तियों में छपी हुई हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या तीन की बात करते हैं। तीन में कहा जाता है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना हुआ है, कैसा बना हुआ है बेटा? कांसे का, स्वर्ण का, लाल चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का? तो बेटा हड़प्पा से प्राप्त हुआ पुरुष धड़ है, किससे बना हुआ है? लाल चूना पत्थर से बना हुआ है। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा बेटा, लगा दीजिएगा। प्रश्न संख्या चार की तरफ बढ़ते हैं। चार में कहा जाता है एलिफेंटा कहाँ है? पनवेल में है, रोह में है, थाने में है या फिर रायगढ़ में है? बेटा एलिफेंटा की गुफा आप जानते होंगे धारापुरी महाराष्ट्र में है, और धारापुरी महाराष्ट्र में किस जनपद के पास? तो रायगढ़ के पास है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, रायगढ़ इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या पाँच की बात करते हैं। पूछा गया है बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? यहाँ पाँच गुफाएँ हैं बेटा, पाँचों के नामकरण हैं और बार बार घुमा के वहीं पूछा जाता है। रंग महल किस क्रम की गुफा है बेटा? चौथे क्रम की है। राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा है बेटा, इसलिए थोड़ा क्लास कम हो पा रहा है। अब मैं क्लास बढ़ाने की चेष्टा करता हूं और निश्चित रूप से बढ़ेगी क्लास। प्रश्न संख्या छह की तरफ बढ़ते हैं। छह में कहा गया अजंता में बोधिसत्व वाला पेंटिंग किस गुफा में बना है? बोधिसत्व वाली पेंटिंग किस गुफा में है? गुफा संख्या एक में, गुफा संख्या तीन में, गुफा संख्या दो में या फिर गुफा संख्या चार में? तो बेटा बोधिसत्व वाला जो पेंटिंग है वो गुफा संख्या एक में बना हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या सात की तरफ बढ़ते हैं। सात में कहा जाता है भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? बौद्ध भिक्षु का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पे है? एक में, सत्रह में, उन्नीस में, सोलह में? राइट आंसर क्या होगा बेटा? गुफा संख्या सत्रह सी राइट आंसर हो जाएगा। भिक्षु बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में बेटा? तो इसका राइट आंसर गुफा संख्या 17 बनेगा, जिसे हम लोग रंगशाला के नाम से जानते हैं या चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया पोथी चित्रण का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? गुप्त ने, हिंदू ने, पाल ने, जैन ने? बेटा पोथी चित्रण का जो निर्माण है मूल रूप से पाल शासकों के द्वारा किया जाता है। पाल शासक राइट आंसर बनेंगे, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा जाता है कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? पाल शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली या फिर पहाड़ी शैली? बड़ा कल्पसूत्र ग्रंथ है उसका चित्रण जो हुआ है वो मूल रूप से जैन शैली में हुआ है। जैन शैली राइट आंसर बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर करिएगा बेटा, और कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? बीकानेर शैली,
मेवाड़ शैली, हिंदू शैली या फिर किशनगढ़ शैली। आप जानते हैं बेटा राजस्थानी शैली को हम लोग हिंदू शैली के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के समय का रहा है? बेटा बेहजाद का संबंध किससे रहा है? बाबर से, शाहजहां से, औरंगजेब से या जहांगीर से? तो बेटा बेहजाद का जो संबंध है वो बाबर के काल का है। आप जानते होंगे बाबर इससे नफरत भी करता था, इसका खूब बुराई भी किया करता था। तो बेहजाद का संबंध बाबर से है, राइट आंसर ए बनेगा, मुगल शैली का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? बेटा लाल पुष्प को किसने बनाया? गोवर्धन ने, बिशनदास ने, अबुल हसन ने या फिर उस्ताद मंसूर ने? तो बेटा लाल पुष्प को बनाने का जो काम रहा है उस्ताद मंसूर का रहा है। आप जानते हैं पशु और पक्षी के साथ साथ जो है ये अच्छे पुष्प चित्रकार भी रहे हैं, उस्ताद मंसूर ने बनाया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में कहा जाता है डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? बेटा डाल शीर्षक की जो चित्र बने हैं वो किसने बनाया? के हब्बर ने, विकास भट्टाचार्य ने, ए रामचंद्रन ने या फिर एन एस बेंद्रे ने? राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो राइट आंसर विकास भट्टाचार्य बनेंगे, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया इनमें से कौन मूर्तिकार है, मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस है? बेटा ऑप्शंस में है एस जी श्रीखंडे, सरोज गार्गी पॉल, दिलीप दास गुप्ता या फिर मदन लाल नागर। बेटा मूर्तिकार के रूप में ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं एस जी श्रीखंडे, राइट आंसर ए बन जाएगा बेटा। याद रखना होगा, बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं सर मूर्तिकार चित्रकार अलग अलग बता दीजिए, बता देंगे बेटा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा जाता है कि सतीश चंद्रा एक डाटा डाट थे, क्या थे बेटा? छापा चित्रकार, दृश्य चित्रकार, रेखांकन चित्रकार या फिर वास चित्रकार? बेटा सतीश चंद्र का जो संबंध रहा है वो एज अ दृश्य चित्रकार के रूप में रहा है, राइट आंसर सी बन जा रहा है, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। आप अपना स्व मूल्यांकन जरूर करिएगा और अपना मूल्यांकन जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही बने। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा जाता है टाइगर इन मूनलाइट नाइट, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया है? एफ एन सूजा ने बनाया, निरोध मजूमदार ने बनाया, जोगेन चौधरी ने बनाया या फिर गणेश फाइनी ने बनाया? टाइगर इन मूनलाइट नाइट का जो चित्रण है बेटा किसके द्वारा बनाया जाता है? जोगेन चौधरी के द्वारा बनाया जाता है। जोगेन चौधरी राइट आंसर होंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर। जोगेन चौधरी आप जानते होंगे पेस्टल और स्याही से कागज़ पर चित्र बनाया करते हैं, तो राइट आंसर जोगेन चौधरी बनेंगे, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बता दीजिए। जी आर संतोष, केशेश पनिक्कर, पैलक्ष्मण या फिर जयकृष्ण? बेटा उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार माने जाते हैं जयकृष्ण, तो राइट आंसर जयकृष्ण हो जाएंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है, बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्ति घोष से, राजेंद्र प्रसाद से, हेमराज से या फिर अवधेश मिश्रा से? बेटा बिजू का चित्र श्रृंखला मूल रूप से अवधेश मिश्रा की रचना है, राइट आंसर डी बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर, यानी अवधेश मिश्रा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया रवींद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर जयपुर में? तो रवींद्र भवन आर्ट गैलरी बेटा जो पाई जाती है वो नई दिल्ली में पाई जाती है, राइट आंसर जो है ए बन जा रहा है, ए इज द राइट आंसर हो रहा है, रवींद्र भवन आर्ट गैलरी नई दिल्ली में सुरक्षित है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी संस्थान, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार की म्यूरल बनाए हैं? बेटा महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस वाले में म्यूरल किसने बनाया, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस में दिया गया सतीश गुजराल, परेश मैती, एसएस राजा या फिर मनु पारेख? आप जानते हैं ज़्यादा बढ़िया म्यूरल जो है सतीश गुजराल बनाते हैं, तो राइट आंसर सतीश गुजराल होंगे, मॉरिशस महात्मा गांधी संस्थान में भी इन्होंने ही म्यूरल बनाया है, तो राइट आंसर ए के साथ हो जाएंगे। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 49 में आपके कितने स्कोर गए हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।